अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को कभी नाल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। जी तो व्यूवर, आज की जौन सी हमारी रेसिपी वो बहुत ही स्पेशल और बहुत ही ख़ास है, क्योंकि आज हम आपको देसी घी की जौन सी चूरी है, जी हाँ, देसी घी की चूरी बनाना सिखा रहे हैं। तो देसी घी की चूरी के लिए यहाँ पर मम्मा जो रोटियाँ हैं उनको यहाँ पर छोटे छोटे यानी कि जो पीसीज में हैं उनको तोड़ रहे हैं, और गर्मा गर्म ये रोटी है इस वक्त जो कि मम्मा इसको तोड़े, और आप देख सकते हैं कि मतलब कि तोड़ने में भी मुश्किल हो रहा है इसको, क्योंकि ये गर्म बहुत ज़्यादा है। अभी मतलब तवे से उतार के ही डायरेक्ट मम्मा ने इसको बनाना शुरू कर दिया यहाँ पर, क्योंकि व्यूअर्स आप लोगों को पता है जो सी चूरी होती है वो गर्म रोटी की ही बनती है। तो आज हम आप लोगों को जो है वो शक्कर की चूरी देसी घी में बनाना सिखा रहे हैं। तो ये जो शक्कर की चूरी होगी देसी घी में कैसे बनेगी, उसके लिए पहले आप लोगों ने गर्मा गर्म रोटियाँ बिल्कुल आपने तवे से उतारी हुई रोटी को आपने लेना है, इसको बिल्कुल ठंडा नहीं होने देना, तभी आपकी जो सी चूरी है वो बन सकेगी। क्योंकि अदरवाइज़ अगर आपने इसके अब ये जो मेन इन्ग्रीडियंट देसी घी, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त की खुशबू हो गई देसी घी की, तो यहाँ पर जो है वो देसी घी हम लोगों ने डाल दिया है इसके अंदर। और यहाँ पर हम लोगों ने जस्ट सिर्फ तीन इंग्रेडिएंट लिए, एक नंबर एक जो हमारी रोटी जिसकी वो चूरी बनेगी, दूसरा शक्कर की चूरी तो शक्कर डालेंगे हम लोग, तीसरा देसी घी। तो यही बस हम लोगों ने व्यूअर्स जो तीन चीज़ें हैं शामिल करनी है और जो हमारी मज़ेदार सी चूरी है वो तैयार हो जाएगी। तो हम लोग इसको देसी घी में बना रहे हैं। इन केस आप लोगों के पास देसी घी नहीं है घर में तो आप लोग इसको यूजुअल आम डालडा घी में भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार सी जो से हमारी आज मीठी चूरी है शक्कर की देसी घी की वो तैयार होने जा रही है। तो हम लोग इसको शक्कर को डाल रहे हैं, और गर्मा गर्म रोटी है बहुत ही मुश्किल हो रही है बनाने में, तो यहाँ पर अब बन रही है। तो हम लोगों ने छोटे छोटे पीसेस कर ली हैं, अब इसको मज़ीद कैसे बनाना है, इसके लड्डू कैसे तैयार होंगे वो आप लोगों को देखना पड़ेगा, तो फिर हम आपको लड्डू बनाते हुए दिखाते हैं। ये देखिए मैंने ना अपने जी, तो व्यूअर्स अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हम लोगों ने अपने चूरी के लड्डू हैं, जैसा कि हम लोगों ने आपको कहा है कि आज हम आप लोगों को देसी घी में चूरी का जो है रेसिपी उसको शेयर कर रहे हैं, लेकिन जो हम लोगों ने देसी घी में चूरी बनाई है शक्कर वाली उसके हम लोग यहाँ पर लड्डू बनाने लगे हैं। तो माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हम लोगों ने ये जो लड्डू तैयार कर लिए। तो सिंपल इसकी रेसिपी, हम लोगों ने रोटी ली है, बिल्कुल गर्मा गर्म रोटी लेनी है आप लोगों ने, और आप लोगों ने उसके अंदर शक्कर जो आप लोगों को यहाँ पर पड़ी नज़र भी आ रही होगी, यहाँ पर शक्कर आप लोग देख सकते हैं। मतलब कुछ व्यूवर्स को आइडिया नहीं है तो शक्कर क्या है, तो व्यूवर्स आप लोग ये देख सकते हैं कि ये शक्कर है, ठीक है। हम लोगों ने ये शक्कर ली है, हम लोगों ने रोटी के शक्कर को डाल दिया था, हम लोगों ने सिंपल घी लिया है और इसको बना लिया। तो आप लोग देखेंगे हम लोगों ने पहले आप लोगों के सामने यहाँ पर उसके छोटे छोटे पीसेस किए थे, और अब हम लोगों ने उसके जो है लड्डू तैयार कर लिए। माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त ये देखें आप लड्डू लग रहे हैं। ये जी हमारे शक्कर के जो से देसी घी में बने लड्डू हैं चूरी के वो तैयार हो गए हैं। तो जो हमारी चूरी है वो बहुत ही मज़ेदार बनती है, माशाल्लाह हमें खुद बहुत पसंद है, तो बहुत ही स्वीट सी रेसिपी है। तो आप लोग चाहें इसको जब मर्जी बना लें, बहुत ही इजी है, क्योंकि रोटी तो सिंपल हम लोग बनाते हैं, आप गर्मा गर्म जब शाम में सुबह जब रोटी आप बना रहे हो तो उसका टेस्ट भी डिफरेंट हो जाएगा और स्वीट भी हो जाएगा। साथ हम लोगों ने आप जैसे तिल रखे हुए हैं उससे हम इसकी गार्निशिंग करेंगे, तो बहुत ही मज़ेदार और मीठी मीठी सी इसकी खुशबू, और ऊपर से आपको पता है देसी घी की तो अपनी एक अलग ही खुशबू होती है, तो यहाँ पर देसी घी की भी जो खुशबू है वो फैल गई है। तो हम लोगों ने अपनी जो लड्डू हैं वो बना लिए, बहुत ही मज़ेदार हमारे लड्डू बन गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। मैं लगी हुई थी ना रोटी में, तो मैं इसलिए बात नहीं कर सकी। तो आज हमने बनाया है लड्डू चूरी, यानी कि चूरी बनाई है हमने शक्कर वाली, उसके लड्डू मैं बना के दे रही हूँ। बचपन में मैं बच्चों को ऐसे ही बना के दे रही थी तो बना देती थी, अब मैंने भी आपके साथ शेयर किया, मैंने कहा मैं भी अपने बहन भाइयों को दिखा दूँ कैसे बनाते हैं। ये हमने शक्कर ले ली थी, रोटी अपनी मर्ज़ी से ले लें आप जितनी लेना चाहती हैं, तीन चार रोटियाँ छोटी छोटी सी काट तोड़ के रोटियों को, वो तो वो मैंने बना दी है, ये सारी मतलब कूट के चूरी वो बना दी है। आप ज़रूर ट्राई करें, शक्कर की बन जाती है, कई लोग चीनी की बनाते हैं, शक्कर की ज़्यादा मज़े की बनती है। शक्कर की बनी हुई अपने ही एक अलग सा टेस्ट होता है, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार ये बनती है। तो अब ये मम्मा बन चुके हैं हमारे? हाँ जी ये बन चुके हैं। तो ठीक है फिर आप इसको फाइनल मतलब हम लोग इसको करने जा रहे हैं। हम लोगों ने तिल लिए थे, ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारे हमारे बिल्कुल तैयार हो गए हैं लड्डू। ये तिल पड़े थे, चलो मैंने कहा तिल लगा देते हैं, अच्छे बन जाएंगे। ये देखें कितने प्यारे, बहुत मज़ेदार, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं ये देखें जी।
हम लोगों ने यहाँ पर तेल लगा दिए हैं, और जो हमारे ये लड्डू हैं ना, जो से चूरी के लड्डू हैं देसी घी में बने हुए, यार तो मज़ा ही आ जाना खा के। तो व्यूवर्स, आप लोगों को भी हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगेगी, ये देखें बहुत ही मज़ेदार जो हमारे ये हैं चूरी के लड्डू वो तैयार हो गए हैं। देखें मुँह में ही पानी आ रहा है, ये देखें। और हम लोगों ने इसको जो है सिंपल जो हमारे घर में था पड़ा हुआ तिल, तिल थे जो उनसे, उनके साथ हम लोगों ने इसको किया है डेकोरेट। फाइनल ये हमारे हो गए हैं, हम लोगों ने इनको बना लिया। तो व्यूवर्स, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की जो होती हमारी रेसिपी है लड्डू की, चूरी के लड्डू जो हम लोगों ने बनाए हैं शक्कर और देसी घी में, वो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो हमें अपनी फीडबैक दें, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके, और इस तरह की मज़ेदार अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी वीडियो को पूरा देखें, तभी आप सीख सकते हैं कि जो मज़ेदार हम लोगों ने आज देसी घी के शक्कर के जो हम लोगों ने चूरी बनाई है वो कैसे बनी है। और इसको ज़रूर ट्राई करें, बच्चों को दें, ताकतवर भी हो गई ये चीज़। किसी और बच्चे रोटी नहीं खाते तो उन्हें ये मीठी सी चीज़ बना दें, ये खा लेंगे बच्चे शौक से। बिल्कुल, बहुत अच्छा तरीका। मतलब बच्चे अमूमन आना खानी करते हैं, खाना नहीं खाते, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा, मतलब एक स्वीट टच भी हो जाएगा और रोटी भी उनके पेट में चली जाएगी और डिफरेंट सा भी हो जाएगा और सबको बहुत पसंद आएगी। तो व्यूअर्स, आप लोग ज़रूर ट्राई करें और हमें फीडबैक दें। अब हम आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह अगली रेसिपी में दोबारा आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।